हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको आपकी मैथ्स वर्ड बुक का एक्सरसाइज 3F फर्स्ट सम मैंने आपको पहले समझाया था, कल समझाया था, आज हम आपको सेकंड सम समझाएंगे, ठीक है। सेकंड सम में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको क्या फिल करना है। यहाँ देखिए, इधर हमारी स्टेटमेंट है 2193, यहाँ भी 2193 है, इक्वल टू है बीच में। आपने इन दोनों स्टेटमेंट को सेम करना है, ये वाला इधर लिखा हुआ है यहाँ भी है, बट ये वाली स्टेटमेंट 7293 इधर नहीं लिखा हुआ था, तो हमने ये वाली चीज़ यहाँ लिखनी है, ठीक है। ऐसे ही आपने सेम ये करना है, जैसे 4000 इक्वल टू होना चाहिए बीच में, कंपलसरी यही है। 4173 आपका यहाँ है, यहाँ पर 519 नहीं है, तो आप 519 लिखेंगे। सेम ऐसे ही आपको ये कंप्लीट करना है, जो आपका नंबर इधर नहीं है तो उसको आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 6083 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इक्वल टू से इधर वाले और इधर वालों को आपने कंपेयर करना है, ओके। सेम सम आपका ये है और सेम ही आपका ये है, बट इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ देखिए ब्रेक दी हुई है, तो हमने 375 को 106 से मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ प्लस का साइन लिख दिया। अब यहाँ पर 375 को 515 से मल्टीप्लाई किया, ओके। ऐसे ही सेम यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने कॉमन इधर दिया हुआ है, इसमें आपको कॉमन यहाँ लिया हुआ था, तो आपने इसमें कॉमन यहाँ लिया हुआ। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, जो इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि ब्रैकेट में है ये चीज़, फिर प्लस का साइन है, ये चीज़ ब्रैकेट में है, तो अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में कॉमन है 637, तो 637 दोनों से कॉमन लेके मैंने बाहर लिख दिया, अंदर क्या रह गया 821 प्लस 513, तो यहाँ इसलिए आप 513 लिखोगे। अब वन को आपको पता ही, जब जैसे मैंने किसी चीज़ को वन से मल्टीप्लाई किया तो सेम वही आंसर आता है, जब भी हम किसी को वन से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे टू को मैंने वन से मल्टीप्लाई किया तो टू आंसर आ गया, थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया थ्री आ गया, हम वन को किससे मल्टीप्लाई करें कि सेम हमें वही आंसर मिल जाए, तो सेम हमने 1079 से ही मल्टीप्लाई करना है वन को, ताकि हमारा सेम आंसर आ जाए, ये हमारे इधर वाले आंसर हैं। यहाँ देखिए, जब भी हम किसी को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही आंसर आता है, तो यहाँ पर सेम वही आंसर आ गया 4532। अब आपको नेक्स्ट समय, जब भी हम किसी को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर जीरो ही मिलता है, तो इसलिए को किसी भी डिजिट से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर जीरो ही आएगा। ऐसे आपने यहाँ पर जीरो को मल्टीप्लाई करना है, हमें आंसर जीरो चाहिए, तो हमने 3471 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जीरो आ जाए, तो हमने यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करना है। अब थर्ड सम देखिए, तो आप ये वाला सम देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आपने इसको एक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मल्टीप्लाई करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा, फिर उसको 8 से करेंगे, बट ऐसा आपने कुछ नहीं करना, इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमें बनानी है जिसके द्वारा हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ किस वजह से। सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ 5 है या 9 है या 8, इसमें से 2 नंबर्स ले दीजिए जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारा जीरो आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ 5 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखा, 5 8 या 40, तो हम इन दोनों को पहले इकट्ठे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 409 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको 125 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 1000, तो 1000 को मैंने 409 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले सम में समझाया था, 409 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए सेम, उसके बाद 30। ऐसे अब इस सम में आप देखिए, अब हमने आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ नहीं करना, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करें, जिसकी जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जीरो आता है, तो उनको दोनों को इकट्ठे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखो, अगर 5 को 1 से करेंगे, लास्ट डिजिट इसका लास्ट डिजिट 1 है, इसका 5 है, तो मैंने 5 को 1 से करा 5 आया, बट हम इन दोनों को नहीं ले सकते। अब यहाँ देखो, अगर 4 को करोगे 1 से तो 4 आएगा, हम इन दोनों को भी नहीं ले सकते। अब यहाँ देखो, अगर 25 को मैं 4 से करती हूँ, 5 को 4 से करती हूँ, तो 0 आता है, 5 4 जो 20, तो हम इन दोनों को इकट्ठा लेंगे, 25 4 जो 100
तो ये आपका आंसर आ गया 721 को 1 से किया ये, उसके बाद 2 0। ऐसे ही आपने इसमें देखना है किसकी आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 को 50 से करो 100 और इसे 4152 का एसटीच लिख दीजिए, इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे और इनका आंसर आ गया 100। तो हमने जब इसको 1 से करा तो एसटीच, उसके बाद 20। सेम आपने इनको ऐसे करना है, यहाँ देखो अब जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आता है, अगर 250 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 0 से करो 0, 5 4 20 20 का 0, 2 कैरी, 4 2 8 और 10। तो हमने इन दोनों को लेना है, ऐसी सेम आपने इनमें देखना है किसके वो बनते हैं जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे लास्ट में 0 आ जाए। तो यहाँ आप खुद ट्राई करोगे ये सब। नेक्स्ट पेज देखो, यहाँ देखो यहाँ भी आपने किसको मल्टीप्लाई करोगे आप खुद आइडिया लगा सकते हो। इसमें भी आप देखो बिल्कुल इजी सम है, इसमें भी आप देखो कहाँ पर 0 आपको ज़्यादा मिलेंगी, इसमें भी देखो कहाँ आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ज़्यादा प्राप्त होती है। ऐसे आपने ये सम करने हैं। एक हेमंत लड़की ने मेरे पास काम भेजा और किसी बच्चे ने अब तक कल वाला काम मेरे पास नहीं भेजा। ओके।